मैंने, हाँ आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल के चिल्ले, जो आप लोगों ने पार्टीज वगैरह में काफी खाए होंगे। ये घर पे और भी ज्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ही इजी बनते हैं। आज की जो मेरी रेसिपी है, इसको एक बार घर पे जरूर ट्राई करिएगा और मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे पोस्ट करें, मैं उसका जरूर जवाब दूंगी। चलिए शुरू करते हैं मूंग दाल के चिल्ले। आइए देखते हैं मूंग दाल के चिल्ले बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। मूंग दाल के चिल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कटोरी मूंग दाल ली है, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है और सुबह अच्छे पानी से, एकदम साफ पानी से इसे वॉश कर लिया है। पनीर मूंग दाल के चिल्लों की फिलिंग के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम लिया है, 1 ग्लास पानी, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, काली मिर्च स्वाद अनुसार, 1 मीडियम प्याज, 1 मीडियम गाजर, शिमला मिर्च 1 मीडियम साइज, इन्हें मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है, छोटा छोटा, सॉरी रफली नहीं, महीन बारीक चॉप किया है। 2 हरी मिर्च ले ली हैं और 2 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या करना है। सबसे पहले हम मिक्सी जार में मूंग दाल डाल लेंगे अपनी। पीसते वक्त इसमें पानी बिल्कुल ना डालें, क्योंकि इसको हमने धोया है तो दाल के अंदर थोड़ा पानी है ही। अब पीस लेंगे। बीच में एक बार देख लें। ये देखिए हमारी मूंग दाल पिस चुकी है। इसे हमें बहुत महीन भी नहीं करना है, ज्यादा मोटा भी नहीं, हल्का सा दरदरा। मूंग दाल रेडी है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। थोड़ी सी मूंग दाल इसमें छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें अब हमें 2 हरी मिर्च और लहसुन डाल के पीसना है। अगर हम सारी दाल के साथ डालते तो वो प्रॉपर पीस नहीं पाता और मोटा मोटा रह जाता। अब मैं इसमें 2 हरी मिर्च को छोटे टुकड़ों में काट के डाल दूंगी और 2 लहसुन की कलियां। अब मैं इसे चला लूंगी। थोड़ा सा और चलाएंगे, क्योंकि हरी मिर्च अभी थोड़ी सी खड़ी खड़ी है इसमें। लहसुन हरी मिर्च पिस चुका है, अब हम इसको इसी में मिक्स कर देंगे। और इस ये जो मूंग दाल का हमारा बैटर रेडी हो गया है, इसको अब हम 1.5 घंटे के लिए ढक के साइड में रख देंगे और 1.5 घंटे बाद इससे हम चिल्ले बनाएंगे। मूंग दाल हमारी पिस चुकी है, उसके बैटर को हमने साइड में रख दिया है 1.5 घंटे के लिए, और अब हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसको मैं हाथ से मैश कर लूँगी। ग्रेट नहीं करना है इसको, हाथ से ही मैश करना है। अब हम इसमें अपनी चॉप्ड वेजिटेबल्स, कटी हुई सब्जियां डाल देंगे, गाजर, अनियन, शिमला मिर्च,
और इसको मिक्स कर देंगे पनीर के साथ अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर हाफ स्पून से भी कम, लाल मिर्च पाउडर लिटिल बिट थोड़ी सी एकदम, और अब इन सबको हम मैश कर लेंगे। हमारी फिलिंग मूंग दाल चिल्ले की रेडी है। इसमें शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, नमक, काली मिर्च पिसी हुई, नमक और लाल मिर्च पाउडर मिक्स कर दिया है। अब हम इस फिलिंग को ढक के साइड में रख देंगे जब तक हमारे मूंग दाल का बैटर रेडी होता है। डेढ़ घंटा हो चुका है हमारे बैटर को रखे और ये बैटर पूरी तरह सेट हो चुका है। आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा ही नहीं बल्कि काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के स्मूथ करेंगे और थोड़ा पतला करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, जैसे डोसे का बैटर रखते हैं ना उतना ही। नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमारे पनीर में भी डला हुआ है, इसलिए हम थोड़ा ही डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, आप जितना खाते हो। मिक्स करेंगे, मैं आपको अभी घोलने के बाद दिखा रही हूँ इसको कितना रखना है। ये देखिए ये हमारा बैटर है, ना पतला और ना ही गाढ़ा। बस अब ये बैटर रेडी है, तवा गरम करेंगे। मैंने यहाँ तवे को पहले से ही गरम होने रख दिया है। मैंने यहाँ नॉन स्टिक तवा लिया है, आप अगर नॉर्मल तवा ले रहे हैं तो उसको हल्का सा बस ऐसे ऑयल लेके तवे पे स्प्रेड कर दें ताकि चिल्ला आपका पके जले ना। अब ये थोड़ा गर्म हो जाए, इस मूंग दाल के चिल्ले को बनाने में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो आपकी फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रहेगी, फुल हाई पे नहीं रखेंगे। अगर आपका नॉन स्टिक तवा है तो बस एक बार ब्रशिंग कर देंगे हल्की सी ऑयल की, उसके बाद आपके सारे चिल्ले विदाउट ऑयल के बनेंगे। आपको कहीं भी ऑयल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तवे को थोड़ा गर्म होने देते हैं। जैसे हम डोसा फैलाते हैं वैसे ही अपने बैटर को इस पर फैलाएंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, एक बार अपने घर पे ज़रूर इसको ट्राई करें। बस इस तरीके से स्पून की मदद से हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए से हम फैला देंगे। अब ये हमारा चिल्ला फैल चुका है, इसे पकने देंगे। धीमे धीमे से हम अपने स्पून की हेल्प से इसको निकालेंगे। पहले साइड से इसको ढीला कर लेंगे और फिर इस तरीके से पलट लेंगे। अब दूसरे साइड से भी इसको थोड़ी देर पकने देंगे। बीच बीच में हल्के से इसको ऐसे प्रेस करते रहें।
पलट के देखेंगे। अब इसमें जैसे हम डोसे में फिलिंग भरते हैं ना, वैसे ही अपने पनीर की स्टफिंग इसमें करेंगे। ये देखिए ऐसे, बस थोड़ा सा, और उसके बाद इसको हम एक साइड से उठा के इस पर रैप करेंगे, दूसरे साइड से पलट के रखेंगे। ये इतना हेल्दी और लाइट होता है, क्योंकि एक तो मूंग दाल है और इसको गर्मा गर्म बस धनिए की चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये धनिए की चटनी मैंने दही और धनिया दोनों मिक्स करके बनाई है। इसे स्पेशली मूंग दाल के चिल्लों के साथ ही सर्व की जाती है, खाई जाती है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ये चटनी कैसे बनाई जाएगी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस लिंक को खोल के इस चटनी की रेसिपी को देख सकते हैं और बना सकते हैं।